स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में, और मैं हूं रवि रंजन। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बारकोड स्कैनर के बारे में। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कौन सा स्कैनर परचेज करना चाहिए। हमने POS परचेज कर लिया, प्रिंटर परचेज कर दिया और हम सबने सारा सेटअप कर लिया। बिलिंग के लिए सेटअप तो कर लिया, लेकिन बिना बारकोड स्कैनर के हम बिलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आनन फानन में हम बारकोड स्कैनर जो सेल्समैन हमें सजेस्ट करता है हम वो परचेज कर लेते हैं, फिर उसको यूज करने में प्रॉब्लम होती है। कभी वो स्कैन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बारकोड स्कैनर के बारे में बताऊंगा। अगर आपका हैवी यूज है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका माइल्ड यूज है यानी कि कम यूज होता है बारकोड स्कैनिंग, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उस टाइप के भी बारकोड स्कैनर मैं आपको बताऊंगा। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप के लिए कौन सा बारकोड स्कैनर बेस्ट है वो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो और आपके पास टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 5th नंबर पे आता है TVS का BS C101 बारकोड स्कैनर। ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्कैनर है और ये एक्सप्रेस स्पीड के साथ आता है। इसमें आपको 330 स्कैन पर सेकेंड देखने को मिल जाएगा और ये अल्ट्रा स्कैन डिकोडिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी मदद से काफी स्पीड में आप स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो 2500 पिक्सल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑटो स्कैन मोड इनेबल है कि हैंड्स फ्री ऑपरेशन आप कर सके। इसमें आपको हायर डेप्थ ऑफ फील्ड भी देखने को मिलेगा 300 mm तक का, जिसकी मदद से आप लॉन्गर डिस्टेंस को भी कवर कर सकते हैं। काफी यूज में लाया जाने वाला बारकोड स्कैनर है। काफी हैंडी है, काफी फ्रेंडली है, काफी अच्छे से काम करता है। अगर आपका वेयर हाउस वगैरह है और आप एक रफ एंड टफ बारकोड स्कैनर अगर देख रहे हैं जो कि बहुत फास्ट काम करे और बजट फ्रेंडली देख रहे हैं, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये आपको 2700 से 2800 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। ऑफलाइन भी आप इसको बड़े आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका बेस्ट प्राइस जो है चेक कर सकते हैं। 4th नंबर पे आता है हैनेक्स का HC3208R बारकोड स्कैनर। ये एक हैवी ड्यूटी बारकोड स्कैनर है और ये एक वायरलेस बारकोड स्कैनर भी है। इसमें आपको 2.4G वायरलेस USB वायर्ड के साथ देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इसे वायरलेस और वायर्ड के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इनबिल्ड जो है 2200 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 12 hour का बैकअप प्रोवाइड करती है। इजिली स्कैन कर देता है ये 1D 2D बारकोड स्कैनर, या फिर पेपर लेबल वगैरह भी आप इससे स्कैन कर सकते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग ट्रांसमिशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि काफी डिस्टेंस से भी ये काफी अच्छे से काम कर देता है। बारकोड स्कैनर जो है मैक और विंडोज दोनों में ही चलता है, लिनक्स में भी ये आसानी से काम करता है। ये सुइटेबल है हॉस्पिटल के लिए, वेयर हाउस के लिए, सुपर मार्केट के लिए, लाइब्रेरी, क्लोथिंग, या फिर आपका बड़ा ग्रोसरी स्टोर है तो उसके लिए। बेसिकली अगर आपका स्कैनिंग का काम काफी हैवी है तो आप इस टाइप के बारकोड स्कैनर के साथ जा सकते हैं। काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और स्कैन भी काफी फास्ट ये करता है। इसका जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 5600 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका करंट मार्केट प्राइस जो है वो चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे है रेस्टोल का LS450 बारकोड स्कैनर। ये एक लेजर बारकोड स्कैनर है, BIS अप्रूव्ड है और काफी यूजर फ्रेंडली है। ये 1D लेजर बारकोड प्रिंटर है जो कि स्पेशली शॉप्स के लिए बनाया गया हुआ है और वेयर हाउस ऑपरेशन के लिए बनाया गया हुआ है। और इसमें आपको 32-bit का अपग्रेडेड CPU देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से काफी फास्ट ये स्कैनिंग प्रोवाइड कर देता है। ये सारे सिस्टम को सपोर्ट करता है, चाहे वो मैक हो चाहे वो विंडोज हो। साथ में आपको इसमें IP54 ग्रेड वाटर रेसिस्टेंस
भी देखने को मिल जाएगा, जिससे पानी वानी से ये इस बारकोड स्कैनर को बचाता है। साथ में आपको एंटी सॉक ड्यूरेबल मटेरियल से यह बना है, जिसकी वजह से कभी हाथ से गिर जाए तो भी टूटने का खतरा इसका कम होता है। अगर आप एक बजट बारकोड स्कैनर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बारकोड स्कैनर है, बिकॉज काफी रोबोस्ट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मटेरियल भी काफी रोबोस्ट है, काफी लंबे टाइम तक आप इसको यूज में ले सकते हैं, और साथ में ही बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तकरीबन 1100 में यह आपको मार्केट में मिल जाएगा। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका करंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आप एक बजट 1D लेजर बारकोड स्कैनर ढूंढ रहे हैं तो ये आपके सारे क्राइटेरिया में फिट बैठेगा। नंबर 2 पे आता है आईबॉल का WBS650MB बारकोड स्कैनर। ये भी एक BIS अप्रूव हाई परफॉर्मेंस लेजर बारकोड स्कैनर है। इसमें आपको फास्ट एंड प्रीसियस डिकोडिंग देखने को मिल जाएगा। अप टू 100 मीटर तक ये वर्क प्रोवाइड करता है, और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि 2.4 GHz इसमें मिलेगा। आपको हैसल फ्री कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। साथ में इसमें जो बिल्ट इन मेमोरी है वो 65,000 बारकोड स्टोर करने की बिल्ट इन मेमोरी भी आपको मिल जाएगी। हाई कैपेसिटी रिचार्जेबल बैटरी देखने को मिल जाएगा। USB चार्जिंग फैसिलिटी है, जो कि केबल के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 1.5 मीटर के ड्रॉप सॉक के साथ आपको मिल जाता है। अगर इसके डिजाइन इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफी रोबस्ट मटेरियल से ये बना हुआ है, और डिजाइन भी इसका काफी यूनिक है, और काफी स्लिक सा डिजाइन इसमें देखने को मिल जाता है आपको। एक्यूरेट एंड फास्ट डाटा ऑपरेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आपका वेयर हाउस है या फिर आपका सुपरमार्केट है, तो आप इस टाइप के हेवी बारकोड स्कैनर के साथ जा सकते हैं। और अगर इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये 3000 के आसपास मार्केट में आपको मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस अगर आपको चेक करना है तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसका करंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आप एक मिड रेंज के बारकोड स्कैनर को सर्च कर रहे हैं, जो कि ज्यादा कॉस्टली भी ना हो और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, वायरलेस भी हो और हैंग वगैरह ना हो, तो आप इस आईबॉल के स्कैनर के साथ भी जा सकते हैं। ये आपको लंबे टाइम तक एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। नंबर 1 पे हमारे लिस्ट में आ रहा है TVS का BSI 302G ओमनी बारकोड स्कैनर। ये एक हैंड्स फ्री बारकोड स्कैनर है, और इसका फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट इस बारकोड के सामने शो करना है, ये ऑटोमेटिकली बारकोड स्कैन कर लेगा। ऑटो ट्रिगर और मैनुअल मोड दोनों का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। साथ में सुपीरियर मोशन टॉलरेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। IR ट्रिगर भी इसमें अवेलेबल है। ये स्क्रीन QR कोड भी स्कैन कर लेता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ में आपको इसमें 1.2 मीटर का ड्रॉप रेसिस्टेंस भी देखने को मिल जाएगा। 1D और 2D दोनों बारकोड को स्कैन करता है। अगर इसके स्पीड की बात करें तो तकरीबन 2500 स्कैन पर सेकेंड ये कर सकता है, इतनी फास्ट स्पीड इसकी है। आपको इसमें बीप और LED इंडिकेटर का भी फीचर देखने को मिल जाता है। अगर ओवरऑल प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात करूं, ओवरऑल इसकी बॉडी जो है काफी रोबस्ट तरीके से बनाया गया हुआ है, कि रफ एंड टफ तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही फास्ट स्कैनिंग की है तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में से ये है। अगर इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो तकरीबन ये आपको 9000 के आसपास में मार्केट में मिल जाएगा। करेंट मार्केट प्राइस अगर आपको चेक करना है तो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसका करेंट मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। सारे बारकोड स्कैनर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।